राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आज चंपा के पौधे के बारे में बात करूंगी और रिपोर्टिंग करूंगी। चंपा के पौधे एक तो गुच्छे में खिलते हैं, खूबसूरत कलर में होते हैं और ये कई रंगों में पाए जाते हैं और बहुत इजी से कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और मेरे पौधे में रूट बाउंडिंग हो गई थी और सुंदर सुंदर फूल, खुशबूदार और कई ऑयल भी इसका बनता है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। इसके औषधीय गुण भी कई होते हैं और सुंदर सुंदर कलरों में होते हैं। मेरे पास दो कलर के हैं, पिंक कलर और सफ़ेद कलर। तो दोस्तों, अब इस चंपा के विषय में जान लेते हैं। आइए देखते हैं हम चंपा के पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। राधे राधे दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। आज देखो दादी माँ का ये चंपा का पेड़ था और काफ़ी दिन से इसमें देखी थी, पानी दे रही थी तो पानी नहीं जा रहा था और फूल भी फूट दिए इसमें, लेकिन इसमें ये गमले में बिल्कुल चौक हो गया था। आज हम इसको भी रीप्लांट कर देते हैं और दिन में मुझे समय नहीं मिला ज़्यादा, नहीं हम इसको डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ है और इस चंपा के पौधों ने हमें बहुत सारे फूल दिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इसकी ये बुराई ये आराम से मैं रखूँगी। ये देखो बिल्कुल ये एक घेरा सा बन गया था इसका जड़ का, ये देखो, और पूरा एक इसने छतरी टाइप बना लिया था। गमला मैंने तोड़ के ही निकाला क्योंकि प्लास्टिक का गमला था और 3 साल से वो इसी उसमें था और मैंने 3 साल से रिपोर्ट भी नहीं किया था। तो दोस्तों ये देखो, मैं ज़्यादा इसकी जड़ को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन ये नीचे जो इसने इतना सारा किया है ना, इस जड़ को मैं थोड़ा थोड़ा सा काट दूँगी क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी ग्रोथ फिर से कर लेगा। ये देखो ये जड़ नीचे से गमले से बाहर निकलने लगी थी, इसलिए हमें पता चल जाता कि किसी भी पुराने पौध को कब ट्रांसप्लांट करें, जब हमारा ड्रेनेज जो होल होता है उसमें से जड़ें बाहर आने लगती हैं तो समझ लो कि आपका गमला रिपोर्टिंग मांग रहा है। और इसकी साइड से भी थोड़े थोड़े ना इसमें गुड़ाई हो रही थी और ना इसमें पानी दे पा रही थी। मैं देखो इसकी पूरी परत जो जम गई है साइड में, इस परत को मैं हटा दूँगी। ऐसे ये जो जंजाल जम गया था इस सभी को मैं हटा दूँगी धीरे धीरे से। कैसे जाला बन गया था, तभी इसमें ना गुड़ाई हो रही थी ना नलाई हो रही थी और पानी भी ठीक से इसमें नीचे नहीं जा पा रहा। ये देखो कितना रूट बाउंड हो गया था ये इसके चारों तरफ से, और 3 साल से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। आज मैंने इसको, कितना बड़ा पेड़ है मेरा, और दिन भर मुझे कोई टाइम नहीं मिला इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए। ये ऊपर से भी मैं इसकी जड़ हटाऊंगी, जिससे ये नलाई भी नहीं होगी, इसकी जड़ इतनी होगी ऊपर ऊपर भी। अभी नहीं चल रहा था इसमें, सारी जड़ मैंने ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी सी हटा दी। रात के टाइम मैं इसमें रिप्लांट कर रही हूँ और इधर शेड में मैं रखूंगी इसको, एक दो दिन इस पेड़ को, फिर वहां धूप लगेगा।
अभी इसका गमला भी छोटा हो गया था 3 साल से। पेड़ देखो कितना ज़बरदस्त हो गया है, कितना बड़ा मेरा पेड़ है। ये देखो, ये देखो, और बहुत सुंदर फूल इसमें से निकलते हैं, चंपा के वाइट कलर के। और देखो ये गमला मैंने तैयार किया है, जो मेरी छत की मिट्टी होती है जिसको हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं वो छत की मिट्टी, किचन वेस्ट डालते रहते हैं, दोनों मुट्ठी मिट्टी डालते रहते हैं। ये अपने गार्डन की मिट्टी हम जो भी गमलों में से निकालते हैं उसको धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाने के बाद इसमें कोकोपीट पहले से मिली हुई है, अब मैंने इसमें केवल नीम खली और वर्मी कंपोस्ट डाले। जब भी मैं नए गमले भरती हूँ तो उसमें खाद और वर्मी कंपोस्ट कोई भी मिला सकते हैं आप, लीफ कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, या किचन वेस्ट का आपने बना रखा था वो भी डाल सकते हैं, तो कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। ये मेरे गमलों से ही मैंने जो मिट्टी सीजन ऑफ हो जाता है तो उनकी मिट्टी को मैं धूप में सुखा के चार्ज कर देती हूँ। और ये देखो इतना बड़ा गमला है, इसको मैंने मिट्टी से नहीं भरा, 1 महीने से हम इसमें अपने किचन वेस्ट नीचे डालते जा रहे थे और दो मुट्ठी मिट्टी डालते जा रहे थे, एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालते थे जिससे वो डीकम्पोस्ट जल्दी से हो जाए। और जो अपने गार्डन की सूखी पत्तियाँ होती हैं, ये देखो कैसे कर रही हैं, ये सूखी पत्तियाँ हैं और ये हमने डाल दिए। अब इसमें मैं ये गमला डाल के बस इतने से खाद से इतना बड़ा गमला मैं भर दूंगी। ये मैं उठाती हूँ, ये मैंने उठा लिया इसमें, और ये इसमें मैं चारों तरफ मिट्टी भर दूंगी। इसमें नीम खली मैंने इसलिए मिलाई है कि हमारे इसमें कोई भी थोड़ा बहुत रह गया हो तो वो उसको वो ना करें। ये देखो दोस्तों, ये मेरा रीप्लांट हो गया, छोड़ दो, बिल्कुल इजी से, बिल्कुल आसानी से मेरा पौधा रीप्लांट हो गया है। और इसमें भी मैं ये खाद डाल दूंगी। और ये देखो ये दूसरा गमला हमने ये अपने भर रहे हैं किचन वेस्ट का, और जब भी किचन वेस्ट डालते हैं तो हम उसमें इतना सा वर्मी कंपोस्ट जरूर डाल देते हैं जिससे वो जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाए। और जो छत का सूखा कूड़ा जैसे मैंने सुबह झाड़ू लगाई थी तो ये डाल दिया, ये बैठ के नीचे बैठ जाएगा जितना बैठना होगा। और ये सब मैं ऐसे भर देती हूँ। और ये गमला भी हमने पहले इतना ही भरा था, लेकिन ये इसको पानी देते रहते हम 10-15 दिन तक, वो नीचे जितना बैठना होगा बैठ जाएगा जैसे इसको करा हमने। अब बस हम इसमें अपना पानी दे देंगे। ये वाली जड़ भी डाल सकते हैं ये वाली। और कल किसी ने मुझसे सवाल किया था हम अपने वेस्ट को कहाँ डालें, जैसे अभी ये जड़ कट गई है वहाँ उस पौधे के साथ ही तो ये पेड़ को नुकसान दे रही थी, लेकिन यहाँ डीकम्पोस्ट में ये नुकसान नहीं देगी। बस अपने क्या करना है, इसको डीकम्पोस्ट जल्दी से हो जाए। हमारे पास जो भी खाद तैयार है, वर्मी कम्पोस्ट, लीफ कम्पोस्ट, कोई सा भी, या किचन गार्डन का आपने बना के रखा है तो वो खाद ऐसे डाल दें। और ये हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट है, इसको हम केवल जब हम गमला ट्रांसप्लांट करते हैं तभी हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। और ये थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट हम मैं ऊपर से डाल देती हूँ, और ये मिट्टी में मैंने ऐड कर दिया, और ये मेरा गमला कंप्लीट लगा, बिल्कुल इसी तरीके से, साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, क्योंकि गार्डनिंग करना बहुत महंगा शौक है। लेकिन दोस्तों आप इसको फ्री में मेरी की तरह कम वेस्ट में भी उगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं। तो ये देखो मैं
रात का व्यू दिखाऊं। ये मेरा गमला तैयार हो गया है और ये पूरा गार्डन रात के टाइम लाइट में बहुत चमक रहा है। और ये ऊपर से मेरी फ्लोर पे लाइट जगमग 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 लाइट कर रही है। ये देखो बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। ये रात को देखो मेरी ये सोलर लाइट ऐसे गमलों में चमचम टिम टिम आती है और बहुत सुंदर लगती है। साथ में मेरे मेन रोड है, मेन रोड पे से रात को बड़ी गाड़ियां जाती हैं तो आवाज़ बहुत होती है। इधर हो रखी है तो इसकी चमक हो जाती है। ये देखो लाइट जगमग जगमग कर रही है ऊपर की और बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। आज तो दिल्ली में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी से राहत मिल गई दिल्ली वालों को। बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये भी प्रकृति का उपहार है कि गर्मी गर्मी जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं और नवरात्रे शुरू होते हैं तो अपने आप मौसम चेंज हो जाता है। ये देखो हमारी कुदरत की कितनी अच्छी हमारे को तोहफा है। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दादी माँ के चैनल पर अगर पहली बार आए थे। अगर कोई कमियाँ हैं तो वो भी बेझिझक होके बताएं। थैंक यू दोस्तों। ये देखो अब इसको हम पानी भरपेट देंगे, थोड़ा प्रेशर से मत दे, थोड़ा नीचे से दे, पाइप नीचे छोड़ ले, प्रेशर से मत दे क्योंकि अभी हमने लगाया है और पेड़ बड़ा है। ये देखो दोस्तों हमने इसमें दे दिया पानी और ये बहुत सुंदर रात्रि में व्यू लगता है। सोलर लाइट बंद होने का टाइम आ गया है, इस टाइम बंद भी हो जाती है नहीं तो ये जलती रहती है अपने आप और रात के अंधेरे होने तक जलती रहती है। थैंक यू दोस्तों। और सुंदर जगमगा रहा है गार्डन मेरा रात के टाइम। ये हमने इसमें पानी भरपेट पानी देंगे हम। थैंक यू।